Welcome to Mythology. This is me, Krash Dwara. Welcome to vlog. Welcome another very, 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 very amazing video. Because आज की वीडियो में हम अगेन प्रैंक करेंगे Zen के साथ, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने जो Zen के साथ प्रैंक किया था वो बहुत ही अमेजिंग प्रैंक हो चुका था। लेकिन अभी तक आप लोग ने वो प्रैंक वीडियो नहीं देखी, तो ये प्रैंक वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। सो अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हर आने वाली जबरदस्त वीडियो मिथोलॉजी की आप तक पहुंचना जरूरी है। सो अभी से टाइट सा करके लाइक भी कर दो वीडियो को। सो अभी हम जाकर अपने बायू को रेडी कर देंगे Zen के साथ। आज हम प्रैंक करेंगे और वो प्रैंक ये होगा कि हम उसको करेंगे इग्नोर फॉर अ डे, बिकॉज 24 आवर्स काम नहीं कर सकते क्योंकि बीच सहरी और इफ्तारी आ जाती है। सो अभी हम उसको कह रहे हैं कि इफ्तारी तक ही मैंने कहा चलो उसके साथ प्रैंक करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। उसका वैसे भी अभी स्पोर्ट गाला चल रहा है, वापस आएगा स्पोर्ट गाला से तो वो हमें बताएगा कि स्पोर्ट गाला में आज क्या क्या हुआ, लेकिन हम उसकी एक भी नहीं सुनने वाले, हम सब उसको इग्नोर करेंगे। अभी हम चलते हैं अपने भाइयों को बताते हैं कि सो आप लोग रेडी हो प्रैंक के लिए। वो तो रेडी होंगे क्योंकि Zen को चेड़ने के लिए तो वो माइनस आ रहे। सो अब चलते हैं भाइयों को बताने। हेलो ब्रदर्स, आज की वीडियो भी बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है। क्यों, ऐसा क्या है आज की वीडियो में? हाँ ऐसा क्या है कि यहाँ आज दी वीडियो तो क्या है पकौड़े तक मिलने आए? नहीं नहीं यार, ऐसा कोई सीन नहीं है। आज की वीडियो में भी हम करेंगे प्रैंक Zen के साथ। प्रैंक Zen के साथ अगेन? Zen के नाल? वाह जी वाह, हमेशा ऑनली पोड़े अगेन प्रैंक Zen के साथ। मैं तो रेडी हूँ भाई साहब, उसको तो चेड़ने में मजा आ जाता है। जी हाँ, और प्रैंक का नाम है हम उसको आज इग्नोर करेंगे क्योंकि स्पोर्ट गाला उसका टाइम रहेगा, आई थिंक सो आधा घंटा रह गया उसको आने को। सो जब भी वो आएगा तो स्पोर्ट गाला के बारे में, जैसे पता है उसका स्पोर्ट गाला हो रहा है, जो भी वो हमें बताएगा कि आज स्पोर्ट गाला में ये हुआ वो हुआ, आप लोगों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। जो भी वो आज हमसे इफ्तारी तक बातचीत करेगा, आप लोगों ने उसको इग्नोर करना है, कोई बातचीत नहीं करनी, हम आपस में बातें करेंगे उसको इग्नोर करेंगे जैसे कि वो है ही नहीं है यहाँ पर। सो बहुत मजा आएगा। आर यू रेडी गाइस? हाँ मैं तो रेडी हूँ उसको चेड़ने के लिए। हाँ रेडी क्यों जी, मैं तो रेडी चलाकियां नंबर वन। चलो चलो, हाँ चलो चलो, मैं तो रेडी हूँ। तो अब चलते हैं Zen का वेट करते हैं, जो ही Zen आएगा अगर तो स्टार्ट करते हैं अपना धमाकेदार मिर्चीदार। गाइस गेट की आवाज आई है, मैं कैमरा सेट कर देता हूँ, जो ही Zen अंदर आएगा हम उसका प्रैंक स्टार्ट करते हैं। जो भी हमसे बातचीत करेगा हम आपस में बातचीत करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। वो अंदर आ चुका है, कैमरे को सेट करते हैं। उफ, मैं तो आज थक ही गया। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा सारे मेरी बात सुनो, आज स्पोर्ट गाला में पता यार तुमने वो शिराजी के व्लॉग्स देखे हैं? हाँ भैया, शिराजी इतने मजे के व्लॉग्स बनाता है। कैडा निका महीने बीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो गए ने उसने। बात तो सुनो मेरी, मैं बता रहा हूँ कि स्पोर्ट गाला में आज। हाँ ना यार, मुझे उसने कर दिए। हाँ मैंने भी उसकी कल वीडियो देखी है, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है वो, बहुत अच्छा ब्लॉगर है कसम से। तुम गए थे वहाँ यूनिवर्सिटी, गए थे या कि यूनिवर्सिटी के हालात क्या चल रहे हैं आजकल? अरे भैया मेरी बात सुनो, स्पोर्ट गाला में आज पता। हाँ भाई गया था कल, वहाँ पर फाइट हुई थी, इतनी जालिम किस्म की फाइट हुई थी। अरे हारून भाई फाइट हुई थी, फेसबुक पे भी अपलोड हुई है मुंडिया ने कॉल दी वीडियो। ओह नो, फेसबुक पे भी है? हाँ वो मैंने देखा था। रवि तुम तो सुनो आज। हाँ बॉयज की फाइट, हाँ वो मैंने भी सुना था, बहुत सख्त वाली फाइट हुई है। स्पोर्ट गाला, स्पोर्ट कुछ सुन रहा ही नहीं है यार, क्या है मेरी आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को? बता रहा हूँ ना मैं आज स्पोर्ट गाला में कसम से। हाँ मैंने भी सोचा था चलते हैं कल यहाँ की घूमने फिरने चलते हैं, वैसे भी घर बैठ बैठ कर अब बोर हो चुके हैं, कल की इफ्तारी हम बाहर करते हैं ना। हाँ मेरा भी दिल कर रहा था कहीं बाहर चलते हैं घूमने। हाँ मैं भी सोचता पे ऐसा यार, ओ उस रेस्टोरेंट की जुला जिते तुसा गए सो चौथी इफ्तारी में। हाँ उस वाले रेस्टोरेंट में, वहाँ खाना भी बहुत मजे का होता है, मैंने वो फ्रेंड्स के साथ जो इफ्तारी की थी ना 5-6 रोजे में, बहुत ही अमेजिंग खाना होता है, बड़ा मजे का खाना होना, कसम में चस आ जानी है रोटी खाने की। भूख लग जाती है घर में, इतना पेट भी नहीं भरने होता, बाहर पता मजेदार सी चिप्स कबाब बड़ी बड़ी चीजें खाए मजा आ जाए। बेकार है यार, तंग कर रहे हो मुझे। गाइस वो चला गया अंदर नाराज होकर कि ये सारे मुझसे बोल रहे क्यों नहीं है, वो समझ रहे हैं कि हम उससे नाराज हैं या क्या सीन चल रहा है, वो अंदर चला गया है। सो जो भी बातचीत करेगा आप उसके साथ यही कुछ करने वाले, बहुत मजा आएगा। प्रोग्राम तो अब शुरू हुआ है। अरे करार भाई बात सुनो यार, वो अरे छक्का मार छक्का मार, अरे छक्का मार दे इकरार भाई, बाद में क्रिकेट देख लेना मेरी बात सुनो। अरे चौका मार,
अरे यहाँ पर ही रन चाहिए, यहाँ पर खेल लेते तो जीत जाते लाहौर वाले। कसम से एक तो ये लाहौरी टीम पर पता नहीं क्या कर रही थी। अरे इकरार भाई, शाहीन भी ना। Oh no! यार बात तो सुनो मेरी, यार तुम लोगों को क्या हो गया यार, मैं भी बोल रहा तुम लोगों से। गाइस वो चला गया, मजा आ गया इसको चलने का। अरे हारून भाई बात सुनो मेरी। हाँ रमजान चल रहा है, मैंने कहा चलो नात ही पढ़ लेता हूँ। हारून भाई पहले मेरी बात सुनो, पहले नात पढ़ना। हारून भाई, हारून भाई बात तो सुनो मेरी। हारून भाई, हारून गाइस वो चला गया, मैंने उसको चेड़ दिया है, मजा आ गया। अरे फाते भाई नमाज पढ़ ले, टाइम हो गया। टाइम क्या है, असर की नमाज पढ़नी है, जोर की नमाज पढ़नी है, मैं तो भूल ही गया। फाते भाई मेरी बात सुनो पहले, के वो मैं बता रहा था आपको, असर की नमाज पढ़नी है, जोर दी थी मैं पढ़ लेती है, पता है असर का टाइम आप पढ़ लेना नमाज के। पहली बात सुनो, वजू करिए तो रेडी होइए। फाते भाई, अरे फाते मेरी बात तो सुनो। फाते नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए तो फिर सहज जाइए। मजा ही आ गया तुम्हारू चेलने का, बहुत ही मजा आ गया। वो वाला क्वेश्चन किधर, सब पे गुस्सा चढ़ गया मुझे। रबी बाद में पढ़ लेना, तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते। रबी छोड़ो किताब को। इनर्शिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू ग्रेविटी इनटू कभी मेरी बात तो सुनो। डिस्प्लेसमेंट इनटू ग्रेविटी इनटू गलत आ गया मेरा, तुम लोगों को बुला बुला के। और दोरे तो नहीं हो गए तुम सब लोग? ओह नो, बेकार किस्म के लोग हो तुम सब, मैं किसी से भी नहीं बोलूंगा, जा रहा हूँ मैं। मजा ही आ गया चेन्नई का तुम्हें, पता नहीं लोगों को दूसरे तीसरे दिन मेरे साथ ही पता नहीं क्या हो जाता है, इन्हें कानों में पता नहीं क्या बड़ा हुआ इनके। कब से आवाजें दे रहा हूँ, गला थक गया, प्यास लगी है, रोजा रखा हुआ है, बात ही नहीं सुन रहे मेरे। सो गाइस अब हम उसको बता देते हैं कि यार प्रैंक है, क्योंकि इफ्तारी का थोड़ा सा टाइम रह गया। अब चलो हम उसको बता देते हैं कि आज हमने उसके साथ किया है अगेन मजेदार सा प्रैंक। अरे जैन ये प्रैंक था, हम तुम्हें इग्नोर कर रहे थे यार। मैंने जूते उठा के मारना शुरू हो जाना है, प्रैंक प्रैंक प्रैंक, क्या बच्चों के खेल खेलते रहते हो तुम लोग। आए मेरे दिल दे टोटे, मैं चांदा नहीं साई तेरे पढ़ाने में, मजबूरी आया सी कहने नाल प्रैंक करना है। सॉरी सॉरी फाते भाई, अभी ना करा के हमदर्दी करे थे, ये आपने हमदर्दी दिखाई है, मुझे नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी। अगेन प्रैंक हो गया तुम्हारे साथ हारून भाई, मुझे आपसे भी उम्मीद नहीं थी। कोई बात नहीं जैन, अगर तुम्हारे साथ फिर से प्रैंक हो गया है, रबी तुमसे तो मैं बदला लेकर आऊंगा, सबसे बदला लूंगा, जाओ यहाँ से सारे। म्यूजिक गाइस ये फिर से नाराज हो गया है, बड़ी मुश्किल से राजी किया था हमने इसके पिछले प्रैंक के बाद, बट फिर से राजी कर लेंगे। छोटा है, होप सो यू लाइक माय दिस प्रैंक। और प्रैंक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।